Waiting for Shikhar Dhawan to join in. Okay, he's gonna connect soon. There he is. Hello. क्या हाल है? बढ़िया शिकी भाई, आप कैसे हो? सब बढ़िया, मस्ती, बस आराम हो रहा है अभी तो. ऐसा लग रहे हो कि अभी सोकर उठे आप. मैं बस पूरा दिन सो रहा हूँ आजकल और कुछ नहीं कर रहा. रिलैक्स्ड. नो एंटरटेनमेंट? ना, नो एंटरटेनमेंट. अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बाल इतने बड़े हो गए. अच्छा, तो इसलिए इसलिए रखा हुआ है. हाँ, तो नीचे ना गिरे इसके लिए मैं कंट्रोल करके रखा. अच्छा, कंट्रोल करके रखा हुआ है. मैंने कहा नया स्टाइल है, पर ये भी स्टाइल है. आई लव यू. उस गाने में तो रहे है ना जोश. जोश है. हाँ, एब्सोल्युटली. आपके फैंस को हाय तो बोल दो आप. हाय गाइस. हाय गाइस, होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं और खुश तो बहुत हो गए मुझे देख के आप सब. तो बस मस्ती सब. बस हाउ इज आयशा, हाउ इज जोरा, हाउ इज योर फैमिली एवरीवन? दे आर वेरी गुड. जोरा के साथ मेरी रोज रेसलिंग होती है, वो तगड़ा कर रहा हूँ मैं फिजिकली. देन सारी गेम्स खेल चुका हूँ, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, स्केटिंग. वो रोज कहता है कोई नई गेम खेलो, नई गेम खेलो. मैं कहाँ से नई गेम लाऊं, मुझे बता यार. कुछ साथ हो सब बच्चों के साथ और नई गेम क्या खेल सकते हैं तो बताओ प्लीज. हाँ, प्लीज मैसेज में डालो, कोई कोई टिप्स दे दो शिकी भाई को कि क्या गेम खेल सकते हैं अपने बच्चों के साथ. टेपो भी खेल लिया मैंने उसके साथ घर पे. अब गेम्स बची नहीं है ना. हम डमशरास तो खेलते थे जब. हाँ, डमशरास खेला मैंने. बीच में जब बारिश होता था हम डमशरास खेलते थे. एब्सोल्युटली. उसमें सबसे सबसे बेस्ट एक्टर तो शिखर धवन ही थे. एंटरटेनिंग. मुझे अभी भी याद है वो एक जो आपने किया था, लेजेंड ऑफ जोरो, जिसमें ओके मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ अभी. लेजेंड ऑफ जोरो में शिकी भाई ने कैसे एक्टिंग किया था उन्होंने. मेरे को याद नहीं तो बता. मुझे याद है. तो अपने अपना इंडिया का टी शर्ट पहना था. अपने ऐसा कॉलर ऊपर किया. कॉलर ऐसा ऊपर किया आपने और पीछे मुड़े और अपने नाम की तरफ अपने पॉइंट किया. तो ये मेरे को याद आ गया वहां पे ना, जब हम खाना खा रहे थे. तो फिर जब हम खाना खा रहे थे. बिल्कुल. क्यों? तो नाम की तरफ आपने पॉइंट करके बोला कि अरे इसको नहीं पहचानते हो आप लोग, ये वही आदमी है, वो लेजेंड. 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 हाँ, तर अफसोस उन्हें पता नहीं था कि मैं लेजेंड हूँ. वो मेरी परसेप्शन मेरे अपने लिए थी. लोग इतने हंसे उसके बाद. बट अभी वो एक सेलिब्रिटी. हाँ, अभी क्या, अभी और 15 दिन. एब्सोल्युटली. तो बिल्कुल. तो क्या प्लान है तेरे 15 दिन के? एज अ कुछ नहीं, मेरा ट्रेनिंग अब कितना वो रहता है. ट्रेनिंग. अच्छा, ट्रेनिंग में क्या कर रहा है? मैं फुल बॉडी एक्सरसाइज. अभी मेरे पास तो इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पर जिम का कोई. तो मेरे पास बैंड वगैरह है? बैंड भी नहीं है मेरे पास. एक 3 kg के डंबल है. अच्छा. और एक पुल अप बार है, तो उसका मैं बेस्ट यूज करता हूँ. और बाहर इधर थोड़ा सोसाइटी में रनिंग करता हूँ बस. अच्छा, सोसाइटी में अंदर जाने देते हैं बाहर वॉकिंग के लिए? मतलब सोसाइटी में. हाँ, मतलब 4 बिल्डिंग का विसिनिटी है, उसके बाहर तो नहीं जा सकते. तो हाँ, उसके बाहर नहीं जा सकते. हाँ, तो वहाँ पे रनिंग हो जाती होगी पर. बट वो भी कभी कभी निकलता हूँ मैं घर के बाहर, अगर कुछ एकदम ही, जब थोड़ा बेटी को घुमाने लेके जाता हूँ. हाँ, क्योंकि उसे तो बाहर लेके जाना पड़ता है. जाना पड़ता है. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. ठीक है, तेरा डॉग ठीक है? बढ़िया सब. हाँ, इधर ही बैठी है अभी वो. मस्त, उसका सोने का टाइम है. कभी भी सोती रहती है वो. ओवर ईटिंग तो नहीं कराता ना उसे? नहीं, उसका डाइट फूड है. डाइट फूड. ओह, वेल डन यार. अभी आपके जैसा फिट रखना है तो फिर. यूजी भी आ गया नीचे. ओ, यूजी. यूजी द किंग ऑफ इंस्टाग्राम राइट नाउ. हाउ आर यू सर? किंग.
मतलब यूजी ने ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम खरीदा हुआ है. ये यूजी को इंस्टाग्राम ने स्पॉन्सर किया कि भी पूरा महीना अभी यूजी वो कर रहा है तो पर ऑफ कोर्स यूजी गॉट अ ग्रेट क्वालिटी जो अपना क्रिकेट के बाद उसका जॉब सेट है किसी के साथ. बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा तो शिखर भाई मैं सोच रहा था एक मैजिक ट्रिक कर लूं आपके साथ. हाँ ठीक है. आपको तो पता है मैं टीम के साथ करते रहता हूँ बट मैं जितना भी बार दिखाया हूँ मैजिक आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हो मेरे मैजिक ट्रिक्स में. बिल्कुल मेरा फोर्टे तो पता है आपको मैं कार्ड से ज्यादा करता हूँ ट्रिक्स. बट दिस टाइम आई एम गोना ट्राई वर्चुअल ट्रिक विद यू. ओके आई एम गोना ट्राई एंड रीड योर माइंड. ओके ओके सो इट्स गोना बी 50-50. आई कांट अश्योर यू दैट इट्स गोना वर्क 100% बट लेट मी गिव इट अ ट्राई. ओके सो आई वांट यू टू गो अहेड एंड थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 100. 1 to 100 सोचना है मन में बट वो नंबर साइड पे लिख रहा ताकि प्रूफ रहे कि आप झूठ नहीं बोले बाद में. अच्छा एक मिनट सर मैं अपनी डायरी पेन ले लो जरा रुक जा. तो थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 100 इन योर माइंड. डोंट शो इट टू मी. अच्छा और साइड पे लिख के रखना. ठीक है पब्लिक को दिखा दूं तू आंखें बंद कर ले. नहीं 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 तो आप दिखाई दोगे ना पब्लिक को. बाद में दिखा दो मैं गेस करने के बाद दिखा दो ऐसा नंबर. ठीक है तो फिर मैं मुझे दो चांसेस चाहिए गेस करने को. ठीक है ठीक है मेरे आंखों में आंखें डाल दी. सॉरी यार आंखें छोटी हो रही है मेरी आजकल. क्या आपका जर्सी नंबर तो आप नहीं लिखोगे 25 बट लेट मी गेस आपने लिखा होगा आपका लास्ट जर्सी नंबर था 48 लिखा है. नहीं नहीं 48 नहीं. दो चांसेस एक और चांस है फिर. एक ओवर है. अच्छा 48 नहीं है तो मैं उल्टा कर देता हूँ 48 का. चलो 84. आर यू सीरियस मैन. सही है. हाँ एक मिनट भाई ये कैसे पर कैसे पर कैसे ये देखो. ओह शिट कैसे लेकिन कैसे भाई पता नहीं यार ये तुक्का था सच में. तुक्का था सही में. तुक्का कैसे ठीक हो गया क्योंकि 48 का मैंने ऐसे ही बोल दिया ना उल्टा कर देता. हाँ क्रेजी मैन. ओए जोरा हनी जोरा कहाँ बाबा. और कार्ड से तो अभी मैं मुझे ट्राई करना पड़ेगा. ऐसे में कैसे अभी. अच्छा ठीक है देखो क्या दिख रहा हो. कार्ड नहीं दिख रहा मुझे तेरे भाई. ये देखो. हाँ ये कार्ड्स शफल ले दो थोड़ा कार्ड्स तो. ओके डन. अभी कहीं पे भी स्टॉप बोलना. ओके स्टॉप देख लो मैं देखूंगा कौन सा. ठीक है देख लिया. हाँ देख लिया. अभी कार्ड का जरूरत ही नहीं. मैं आपके आंखों में आके डाल के देखूंगा और बताऊंगा आपने कौन सा कार्ड देखा था. हाँ बताओ या कौन सा कार्ड पे आपने स्टॉप बोला. ये मैंने आपके साथ पहले भी किया हुआ है तो आपको पता है. हाय जोरा. हाय यू रिमेम्बर मी. आजा पापा के पास आजा. हाँ पहले वो बता दे पहले. Who am I? Magic man. Shreyas. Shreyas bhai. अच्छा तो मैं अभी गेस करके बताऊंगा कौन सा कार्ड आपने देखा था. आपने देखा था
I can see the fire in your eyes. तो red color का था कुछ तो diamonds red color का diamonds था वो था पहले पूरा कार्ड बता फिर मैं बताऊंगा कौन सा queen of badam badam का queen diamonds badam diamonds हाँ diamonds हाँ queen of diamonds बिल्कुल बिल्कुल diamonds ना queen of diamonds absolutely चलो ठीक है मैजिक मैजिक तो बहुत हो गया अभी मैं आपसे क्विक फायर रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ओके रैपिड फायर क्वेश्चंस हियर इट गोज आर यू रेडी यस आई एम रेडी ओके व्हिच हैज बीन योर फेवरेट स्टेडियम टू प्ले इन मोहाली All right, that's good. Okay. What has been the best incident of your life so far in cricket? In cricket? Best yeah. incident? When I scored centuries with my broken hand. Yeah. Scored it twice. With your, would you like to elaborate about that story? You want me to? Or... Sorry? I've done it twice or thrice for India. Well, playing India जो मेरा हाँ क्या हुआ था वो मैच में अभी वर्ल्ड कप वाला आई गेस वर्ल्ड कप में जब मेरे मैं अच्छा हाँ वर्ल्ड कप था मेरा अंगूठे पे बॉल लग के टूट गया था अंगूठा तो फिर पेन किलर खा के जब मैंने सेंचुरी बनाई थी तो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि टूटे हुए हाथ में और उससे पहले मैंने श्रीलंका में टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी मैं फील्डिंग करते हुए मेरा हाथ टूट गया तो पूरा दिन फील्डिंग करी फिर बैटिंग करने गया फिर अगले दिन जब आया तो हाथ टूटा हुआ था तो फिर हाथ में बैटिंग करी तो दोस वंस आर वेरी वेरी क्लोज टू मी ओ मर दो ली थी सही है सही ओके लेट्स मूव ऑन अगला है टी या कॉफी टी एनी डे चाय कटिंग सुबह उठ के चाहिए आपको चाय I enjoy drinking chai. Okay. Agla sawal hai, which is your favorite movie? Favorite movie? Bahut sari hai yaar, ek maine bahut sari. To jo unse achhi aati hai wo dekhna shuru ho jata hu. Ek koi aisa jo aapko ekdam alag feel karaya ho. Bachpan se chole. Uspe se ye character bahar aa gaya Gabbar. नहीं शोले आई एंजॉयड वाचिंग बट एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारी हैं तो कोई एक नहीं है बहुत सारी नाइस नाइस अच्छा और दूसरा सवाल सॉरी अगला सवाल है मूवीज या सीरीज दोनों में से आप क्या प्रेफर करते हो हाँ दोनों की अपनी जगह है पापा मूवीज का मूवी का भी अपना मजा है सीरीज का भी अपना अब मैं एक्चुअली सीरीज अब देखना ज्यादा शुरू किया अरे ये थोड़ी आपको जर्नलिस्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दो अब यार मेरे को दोनों अच्छे लगते तो मैं क्या बोलूँ दोनों बहुत दोनों पसंद है आपको ओके बस हो गया रैपिड फायर इतना ही था मेरे पास चार पांच इतना ही और पूछेगा ठीक है और सोच रहे थे मेरे को अच्छा ये कौन सा रैपिड फायर है रुको रुको हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर यू फेस्ड सो फार मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स आई वुड से कि टर्निंग विकेट पे ऑफ स्पिनर्स अरे हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट मतलब आपको किसी का तो नाम लेना पड़ेगा कौन है यार कौन है बाबा डेल स्केल साउथ अफ्रीका जब मैं पहली बार खेलने गया था अरे आपने बोला अभी ऑफ स्पिनर ऑफ स्पिनर भी ऑफ स्पिनर है एब्सोल्युटली मैं बोलता रहा जैसे अश्विन अश्विन को अगर मैं टर्निंग विकेट पे खेल रहा हूं तो ऑफ हो गया या वेस्ट इंडीज में खेला मैंने तो वो गया अच्छा ठीक है चलो डील स्टे ना मेरे भी एक्चुअली मेरा कोई एक नहीं है यार मेरा किसी पर्टिकुलर टीम में नहीं है उस दिन पे कौन ज्यादा बॉल डाल रहा है एक बारी सीधी पैड पे भी खा गए आउट हो गए तो ऐसा है सच कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं जैसे मिचेल स्टार्क है उसने भी बड़ा एक बारी को किया है बड़ा तंग किया है मोने मॉफ ने किया है तो कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है ओके ओके ठीक है चलो अभी मैं आपको और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इतना यू ऐसे नहीं तेरे को पता ही है मेरा
आप आपका कोई टैलेंट दिखाओ यार, जैसे कि मैंने अपना मैजिक दिखाया, आप कोई, आप जैसे कि हमें पता है आप इतना अच्छा फ्लूट प्ले करते हो, तो कुछ सुना सकते हो? अभी सर तो व्हाई नॉट, रोज सुबह सुबह अपना फ्लूट बजा के मुझे उठाते हो? सच में आवाज तो आता ही है, उससे उठ जाते हो कभी? वो आजकल अब मुर्गे बांध नहीं रहते ना, तो मैंने कहा चलो मैं ही शुरू कर दूं उठने। एक ऐसे रखना पड़ेगा अपने फोन को इनकी में, या आवाज आ रही है मेरी? यस वन क्लियरली, दिल तक, दिल तक पूरे। अभी ये फ्लूट बजने के बाद फैंस को भी, फैंस को, फैंस को भी, दिल तक, दिल तक जोर से चिल्लाओ पहले सारे यस, तो फिर मैं मानूंगा कि दिल तक आ रहा है। लो कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। दिल तक पहुंच गए। चलो भाई अच्छा, मैं सबके दिल, क्या बात है, क्या बात है। एक आप हिंदी शब्द जो लाते हो ना यार, वो मुझे समझ से नहीं है, बट सुनकर बहुत अच्छा। गनीमत मतलब शुक्र है, अच्छा, गनीमत खुशी वाली, बिल्कुल। तो ये बांसुरी बजाता रहता हूँ मैं घर पे, बांसुरी। बट ये बहुत ही अच्छा चीज है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाने आना तो चाहिए सबको। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी के टाइम में इतना फ्री टाइम है, तो इंस्ट्रूमेंट से और म्यूजिक की वाइब्रेशन होती है ना, तो वो दिमाग को, माइंड को ग्रो करने में भी हेल्प करती है, एंड इट्स वेरी पीसफुल। जो भी दिल से करो वो पीसफुल होता है। अब जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी तो मेडिटेशन ही है, मान लो। सही है, खाली फोन पे नहीं, मतलब जैसे अब सारा वो सभी अब इतना फ्री टाइम है तो मूवीज देख रहे हैं फोन पे, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके अलावा अपने आप पे काम करना बड़ा जरूरी है इस वक्त। जैसे मुझे भी एक सीख रहा था कोई इंस्ट्रूमेंट, बट है ही नहीं मेरे पास अभी कोई इंस्ट्रूमेंट, तो सीख भी नहीं सकता हूं मैं, सीख भी नहीं सकता। हां एब्सोल्युटली, पर वो भी इंस्ट्रूमेंट वही सीखना चाहिए जो जो दिल से पसंद हो, मे बी गिटार हो गया या कुछ। मुझे गिटार, हां गिटार पसंद है बजाना, हां एक्स वाई जेड कोई सा भी, तो उसका अपना मजा है, तो वो चीज है। और क्या, रिटायरमेंट शिखर भाई, रिटायरमेंट प्लान है? अच्छा कोई क्वेश्चन आया मेरे को, रिटायरमेंट प्लान? मैं वही पूछ रहा था अभी, अभी थोड़ा क्वेश्चंस पूछते हैं। हां ठीक है, जो इनके हैं फैंस ने क्या पूछा है अभी, डन। हां बिल्कुल, आपके आपके फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरे फेवरेट एक्ट्रेस यार करीना कपूर की एक्टिंग अच्छी लगती है मुझे, फिर और कौन है, प्रियंका चोपड़ा की अच्छी लगती है, तो इन सब की चिल्क मुझे एक्टिंग। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण और शिल्पा शेट्टी। अच्छा, और शिल्पा शेट्टी, वेरी गुड, वेरी नाइस, या तो
और दूसरा है तब वही आ रहा है फेवरेट कलर फेवरेट एक्ट्रेस एक्टर पापा कोई अच्छे से क्वेश्चन पूछो यार फेवरेट कलर मैं वही ढूंढ रहा हूँ छोटे से ये क्वेश्चन सुन सुन ना बस हो गई है थोड़े इनसाइड जो हमारे अंदर का वो है वो निकलवाओ कोई नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछो अच्छा हु इज योर रोल मॉडल इन क्रिकेट मेरा कोई एक रोल मॉडल नहीं था और मैं क्रिकेट देखता भी नहीं था पर जैसे जिसकी बैटिंग जो पसंद आई वो देखने जैसे किसी वक्त एंडी फ्लावर बड़ा अच्छा लगता था फिर मैथ्यू एडन ब्रायन लारा गिलक्रिस्ट सचिन पाजी वीरू भाई मेरे भी ऐसे चेंज होते जा रहे थे मेरे भी बहुत सारे थे तो मेरा कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं था कि भाई इसकी तरह बनना और मैं बिलीव भी नहीं करता कि किसी की तरह बनना चाहिए क्योंकि हर एक की अपनी स्पेशलिटी है तो और क्या कहते हैं अच्छी जो उनकी अच्छी चीजें वो आप अडॉप्ट कर सकते हो और अपने तरीके से उसको ब्लेंड कर सकते हो अपने अंदर तो वो ओहो क्या पॉइंट बताया यार हां बिल्कुल दिल से तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम आप मैं और आप पहले टाइम कैसे मिले थे आपको याद है नहीं मेरे को नहीं याद तू याद दिला मुझे याद है टीम में नहीं इंडिया ए का मैच था अच्छा जहाँ पर आप खेलने आए थे इंजरी से आए थे शायद से बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट आप कैप्टन थे तभी मैं इंडिया ए का फर्स्ट ईयर था मेरा अच्छा और मैं वेटरन था इंडिया का इंडिया मैंने बहुत साल खेला है तो अब शायद से वो इंजरी के बाद कमबैक मैच के लिए एक ऐसे ही प्रैक्टिस गेम खेले थे बिल्कुल जो हम मैच 3 दिन में जीत गए थे हाँ एग्जैक्टली बांग्लादेश मेन टीम के अगेंस्ट हाँ मेन टीम के अगेंस्ट एब्सोल्युटली ध्यान है मुझे बिल्कुल ध्यान उसमें मुझे अभी भी याद है मतलब पूरा मैच का रिकैप याद है मुझे अच्छा हाँ तो बता थोड़ा और उसमें अपने 100 मारा था 150 मारा था अपने और वो उसके बाद आप आकर अंदर ऐसे ही बैठ रहे थे और आपकी लाइफ के बारे में आप बता रहे थे कैसे ऑस्ट्रेलिया में आप जाकर शिफ्ट हो गए फिर अच्छा वो लेवल पे पहुंचने के लिए कितना मेहनत और कितना कमिटमेंट लगता है हर एक ने पूछा था मैं खुद ही बोलना शुरू हो गया था नहीं आप लोग आते हैं बाजू में बैठते तो ऑब्वियसली सवाल अपने आप निकलता है एब्सोल्युटली वो तो तुम्हारी इच्छा ही है कि तुम पूछ लेते हो दैट्स ओ मोहम्मद शामी भी है यार मोहम्मद शामी क्या हाल है मेरे भाई ठीक है मोहम्मद शामी भी डरा के रख देता है बैट्समैनों को नेट में उसने बड़ा डराया भी हमें अरे नेट में तो हाँ नेट में तो बहुत डेंजरस मैच में ज्यादा खेला नहीं मैं मोहम्मद शामी के अगेंस्ट बट नेट में जब वो डालता है और लाल बॉल से क्यों एंड हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन यू डेब्यू फॉर इंडिया फीलिंग एक्चुअली एकदम नॉर्मल ही था तो इतना कुछ मुझे अलग सा फील नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ खेल चुका था इतना सारा और फिर उसके बाद मैंने डेब्यू किया आईपीएल में तो सब एक साथ खेले थे हम लोग तो ऐसा लग रहा था कि अलग ही और एक नॉर्मल मैच खेलने आया हूँ बिकॉज व्हेन यू गेट अलोंग और जेल होते हैं एक साथ तो फिर बाद में वो फीलिंग नहीं आता जैसे कि आप लोग को आया हो जब आप डेब्यू किए होंगे नहीं एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि बंदा इतना कंफर्टेबल फील करता है इट्स अ वेरी गुड थिंग वो स्पेशली आईपीएल की वजह से कि हम सब एग्जैक्टली वो आईपीएल की वजह से हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला यंगस्टर्स लोग को और क्योंकि यंगस्टर जैसे जब मैं भी जब छोटा था जब मैं टिकन चार्जर्स के लिए खेल रहा था पहले साल तो मैंने जब संगाकारा मेरी टीम में था तो वो कैप्टन था तो मैंने उनसे ज्यादा रन बना दिए तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया यार कि मैं इधर उनसे ज्यादा रन बना सकता हूँ तो आगे क्यों नहीं तो आई एम श्योर कि सबके साथ वो होता है जो यंगस्टर स्पेशली और जब उनके साथ रूम शेयर करते हो वो करते हो तो एक जो गैप होता है वो कम हो जाता है
नहीं और एक बात जो ऐसा फील होता है हम लोगों की, आप लोग ऐसा फील नहीं करने देते हो हमें कि हम यंगस्टर्स है, कि हम आप हमें डोमिनेट करोगे, बुली करोगे, ऐसा कुछ फील नहीं आता है। तो जब वैसा कंफर्टेबल जोन में रहते हो आप, तो क्या इक्वालिटी फील होता है टीम में? एब्सोल्युटली, एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी नाइसली, बेटर। वो इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं आता थोड़ा? इट्स अ गुड मैसेज टू सेंड आउट एज वेल। जितने भी बाहर सीनियर हैं अपनी अपनी जगह पे, तो प्लीज जूनियर्स को बुली ना कीजिए, उनको सपोर्ट करें, कंफर्ट दें ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। ये क्योंकि कल्चर रहा है कॉलेजेस में भी, रहा है ऐसे क्रिकेट में भी, 15 साल पहले ऐसे, मतलब हर एक जगह कल्चर होता है कि सीनियर है तो सीनियर की एक एक ऑफ कोर्स एक फाइन लाइन होती है हमेशा एक रिस्पेक्ट की, बट एट द सेम टाइम वो कंफर्ट लेवल होना बड़ा जरूरी है। जैसे कि हम लोग अभी जब भी जाते हैं टूर्स में ओवरसीज या इंडिया का भी नॉर्मल जिधर भी टूर्स होते हैं, हम कितना मजाक मस्ती करते हैं, ऐसा फील नहीं होने देते एक दूसरे को कि सीनियर जूनियर है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैं जितने भी टाइम आपके साथ रहा हूं, मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ कि आप मेरे से इतना सीनियर है। मुझे तो ऐसा लगा कि आप सेम एज ग्रुप वाले हो, और जितने भी टाइम हम मिलते हैं मजाक मस्ती होते रहते हैं। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है मेरे से ज्यादा तो आप मजाक करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, और आई फील कि ऐसा ही होना चाहिए। आई एम श्योर कि अब जब तू यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा इंडियन टीम में और 5-10 साल जो भी एक्सपीरियंस, तो जब वो यंगस्टर आएंगे तो यू शुड डू द सेम टू देम, एंड इट्स अ गुड लेगेसी टू कैरी ऑन, कि भी दूसरे को वो मैसेज आता है, फिर दूसरा अगला भी वो आगे लेके जाता है, साथ लेके जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। दैट्स हाउ यू ग्रो दैट टीम कल्चर एज वेल। लाइक जितना हमने इवन दिल्ली कैपिटल्स में हमने कितनी मस्ती करी है, जो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ लास्ट ईयर। दिल्ली कैपिटल्स का तो अलग ही मजा आ गया था। लास्ट सीजन तो हम लोग का सबसे बेस्ट सीजन रहा सो फार, और मतलब आप टीम में आने के बाद तो एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया था एकदम। नहीं थैंक यू सो मच दैट चले। हां बट कोई सी भी उसमें फील्ड में जहां पे भी एज अ टीम लोग काम करते हो, ऑफ कोर्स ऑफिसेज में भी, हर एक जगह पे टीम एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी। तो हमसे एज अ स्पोर्ट्समैन हमारा एक एडवांटेज रहता है कि दैट्स व्हाट वी कैन पास ऑन टू अदर्स एज वेल, क्योंकि हम उसी में पले बड़े हुए हैं कि भी टीम में कैसे रहना है, दूसरों का ख्याल कैसे करना है, कैसे क्या अपने इमोशंस को भी साइड रख के टीम को आगे रखना है, तो वो सारी चीजें सिखाई जाती है। तो इट्स अ गुड thing which we have it in us. Yeah. And I think we had the best season last year so far. Absolutely. तो हमने पिछले साल बहुत मस्ती करी, अपने फैंस को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सारे जो हम पिछले साल बहुत मस्ती करी, मैचेस तो जीते ही जीते, लेकिन डांस जादू सब कुछ जो बोलो वो सब मस्ती, खूब मस्ती करी, तो खूब इंजॉय किया, और एक फैमिली की तरह है हमारी टीम जो होती है, हमेशा एक फैमिली की तरह है, और हमेशा उस फैमिली का एक वो रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, जो हमारी टीम के अंदर की बातें होती है वो हमेशा अंदर रहती हैं, वो कभी हम सारे लड़के जितने भी 20-25 का ग्रुप रहता है वो हमेशा उन बातों को अंदर रखता है जो टीम ड्रेसिंग रूम में शेयर करी जाती हैं, और तो वो सब हमने खूब इंजॉय किया लास्ट टाइम, और हमने अच्छा परफॉर्म किया तो बड़ी खुशी मिली है। होपफुली अब इस साल अगर होता है तो ज़रूर और अच्छा करेंगे और जीतेंगे श्योर जीतेंगे। अरे एक टीम अभी सब बाकी सब प्लेयर्स लोगों का कमेंट्स आएगा, हाँ अच्छा हम क्या ऐसे ही खेल रहे हैं आईपीएल वगैरह वगैरह, मैं बोल रहा हूँ अभी हमने कहा कि हम जीतेंगे, बाकी प्लेयर्स लोग का भी कमेंट आएगा, बोलेंगे कि हम क्या आईपीएल फालतू में खेल रहे हैं ये वो। नहीं नहीं वो कमेंट आते रहे कोई बात नहीं, हम अपनी सोच पे पक्के हैं, बिल्कुल जीतेंगे और जीतेंगे, पक्की सोच होना, पक्का इरादा होना बड़ा जरूरी है, नेवर डाउट ना, उसके बाद जो है तो है। दिल्ली कैपिटल्स वाले भी खुश हो रहे हैं, चलो चेक भेज दो थोड़ा अ सीजन टू रिमेंबर फेवरेट मोमेंट। तो दिल्ली वालों ने क्वेश्चन पूछा फेवरेट मोमेंट क्या था। फेवरेट मोमेंट यार एक नहीं बहुत सारे थे, मेरे लिए सबसे जो फेवरेट था वो ये था कि जो हमारी टीम का एनवायरनमेंट था, जो खुशी थी, जो प्यार था, वो मेरे सबसे अच्छा रहा। ये जो एक बाइक थी ना वो बहुत
अच्छा रहा. और इवन जब सीजन खत्म हुआ तो उसके बाद जिस रात को हमने पार्टी करी सबने मिलके सुबह तक, तो वो भी एक बड़ी यादगार रात थी. मेरा फेवरेट मोमेंट वही था कि जो जब हम नॉकआउट्स में पहुंचे और जैसे हमने मीटिंग में सब डिसाइड किया था कि वी नीड टू सील ऑल द क्लोज मैचेस व्हिच वी प्लेड अगेंस्ट, बिकॉज हम जब भी क्वालिफाई नहीं होते तो उसका मेजर रीजन था कि हम वो क्लोज मैचेस कभी भी नहीं जीतते थे. तो वो क्लोज मैचेस जीतने के बाद वो जो फीलिंग था हम एक्सप्रेस करते थे, और जो हिसाब से रिकी पोंटिंग ड्रेसिंग रूम में आके वो उसके हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच वो रिवॉर्ड देता था, वो फीलिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था. बहुत अच्छा था. हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, उसका अलग मजा था बिल्कुल. और बिल्कुल ठीक है कि जो हम क्लोज मैच जीते और उससे फिर हम क्वालिफाई करें, उसका डिफरेंट फील था. एंड स्पेशली फॉर मी, मेरा तो पहला साल था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो इट वाज अ बिग चेंज फॉर मी एज वेल एंड गुड चैलेंज फॉर मी कि भाई मेरे को आगे अच्छा करना है, एक नई टीम में आ रहा हूँ मैं. एंड फ्रॉम लाइक जिससे पहले दिल्ली 7-8 नंबर पे थी, फिर हम उसके बाद उसको 3rd नंबर पे ले गए, तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी. नॉट जस्ट कि भाई नंबर, लाइक एन अचीवमेंट. अचीवमेंट अवार्ड वो तो बात की चीज है, लेकिन जो प्रोसेस था उसका वो बहुत अच्छा था, तो उस पे बड़ी खुशी थी जो हमने. वी वर लाइक अ फैमिली, वी वर लाइक अ फैमिली, दैट वाज अ प्लस पॉइंट एज वेल. हां, एंड नाउ वी आर मिसिंग इट दो. या कंप्लीटली, क्योंकि हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, वो अब घर पे बैठे हैं, घर पे भी एंजॉय कर रहे हैं. तो कोई भी सिचुएशन हो, इट्स अबाउट द राइट माइंडसेट टू हैव कि भाई अब जैसे हम घर पे बैठे हैं तो वी कैन थिंक यार हम ये मिस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं, वो रहेगा, बट स्टिल इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग कि घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, टू लर्न समथिंग न्यू. एब्सोल्युटली, चाहे वो मेडिटेशन हो सकती है, अब जैसे मेरे पास बांसुरी बजाने का टाइम है तो मैं वो कर रहा हूँ, या मैं बेसिक पे चला गया हूँ अपने कि शैडो प्रैक्टिस करता रहता हूँ. मैं तेरा वीडियो देखा था जिसमें तू टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कर रहा था. तो वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करते रहो, चाहे 10-15 मिनट भी करो दिन का, तो वो एक हैबिट बनाना चाहिए और फिर मजा रहता है. एब्सोल्युट एब्सोल्युट बिल्कुल. और सवाल या लोगों के सवाल अभी? व्हाट अ नाइट दैट वाज. अच्छा, ये तो दिल्ली का. और हमारे फैंस कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बताओ जनाब, आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर देंगे. अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पर वो क्वेश्चंस के, इस पे क्लिक करो ना आप, उसमें नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में. हाँ यार, मेरे को आइडिया नहीं वो कैसे, जो ये क्वेश्चन मार्क का लोगो दिख रहा है वहां पर बाजू में, उस पे क्लिक करो आप. मेरे पास नहीं है वो, मे बी तेरे पास ही होगा. अच्छा, आपके पास नहीं है ना. Can you share your experience of being into the playoff again? Yeah, of course, CS के एक अच्छी साइड है जनाब और एक्सपीरियंस साइड है. तो एट द सेम टाइम जैसे मैंने पहले बोला कि मतलब मेरा यही सोच था कि भाई हम उनको हराएंगे और अच्छा खेलेंगे उनके अगेंस्ट, तो उसी सोच से उसी माइंड सेट से जाते हैं. आई एम श्योर कि हमारी पूरी टीम का स्किपर यहाँ पे बैठे हैं, तो श्रेयस का भी यही माइंडसेट था. क्यों श्रेयस? ऑब्वियसली हमें तो, हम जो भी मैच खेलते थे हम ऑपोजिट टीम के बारे में इतना सोचते नहीं थे. हम लोगों का एक ही माइंडसेट और गोल था कि वी वांट टू विन द मैच एंड सी टू इट दैट वी लिफ्ट द चैंपियनशिप. एब्सोल्युटली. या अनफॉर्चूनेटली वी कुडंट मेक इट, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल एंड we built relationship alongside and that was very important for the future as well. And I think this year if we play, it would be a right moment for all of us to get along together again and you know see to it that we get the drive. Bilkul. Done. ठीक है, और ज़्यादा भी questions answer तो हो गया ना mostly sir. चलो डन हो गया जनाब, अब मैं जाऊं, मेरे को खाना पकाना है. मैं भी जा रहा हूं अभी, मैं भी फॉर्म को हेल्प करता हूं खाने में. बिल्कुल, फिर मिलते हैं. जितने भी भाई लोग हैं हमारे यहाँ पे, भाई घर का काम कर लेना थोड़ा बहुत यार, नवाबों की तरह बैठे ना रहना. तो